गर्मियों के मौसम का सबसे शक्तिशाली टॉनिक। जी हाँ, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग आपको गर्मी के मौसम में विशेष रूप से करना चाहिए, और यह सबसे ताकतवर टॉनिक गर्मियों का हम मान सकते हैं, जिसका नाम है सत्तू। जी हाँ, सत्तू, इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और आप में से बहुत सारे लोग ने खाया भी होगा। सत्तू जो कि अलग अलग प्रकार से बनता है, कई बार इसे 7 तरह के अनाजों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे कि मक्का, जौ, चना, अरहर, मटर, खेसारी और कुलथी। इन्हें भूनकर पीस लिया जाता है और पीसने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे ही आयुर्वेद में सत्तू कहा गया है। अब इस सत्तू को आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली माना गया है और ऐसा कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इससे बढ़कर कोई भी टॉनिक आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं और क्यों गर्मी के मौसम में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ सत्तू खाने के कौन से सही नियम हैं जिससे कि आप इसका पूरा फायदा ले सके। सिर्फ केवल ये जो पिसा हुआ सत्तू होता है, जो आटा होता है, आप केवल उस आटे को ही खाते हैं तो ऐसे कहा गया है कि यह कंठ है, अर्थात ये गले के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो सिंगर हैं या भाषण देते हैं या फिर बोलने का बहुत काम करते हैं या जिन्हें गले से संबंधी कोई भी समस्याएं होती हैं, खास करके थायराइड या हाइपोथायराइड जैसी समस्याएं, या फिर जिनको गले में टॉन्सिल्स जैसी समस्याएं होती हैं, उन सभी के लिए सत्तू बहुत अच्छा है। नेत्र रोग, आँखों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। गर्मी के मौसम में जब आँखों में जलन या आँख से पानी बहना, इस तरह की समस्याएं होने लगती है। कुछ लोगों को तो गर्मी में आँखें एकदम लाल हो जाती है या कई लोगों को आँख से खून भी निकलने लग जाता है। इस तरह की समस्याओं में या नेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आपको सत्तू जरूर खाना चाहिए। यह भूख और प्यास के कारण होने वाली कमजोरी या ऐसे लोग जिनको गर्मी में भूख प्यास से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है या भूख प्यास के कारण शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन्हें थकान बहुत होती है, अब गर्मी के मौसम में हमारी शरीर की ताकत वैसे ही कम हुई रहती है और थोड़ा काम करने से हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ऐसे में या फिर जो भारी भरकम हैवी वर्क का काम करते हैं, उन सभी के लिए। अब गर्मी के मौसम में वोमिटिंग, उल्टी की समस्या बहुत कॉमन है। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन में जाते समय या बस में जाते समय कई लोगों को वमन हो जाता है या फिर उल्टियां हो जाती हैं, वोमिटिंग हो जाता है, ऐसे सभी लोगों के लिए, या जिन्हें कोई ना कोई चोट लगी रहती है, इंजरी बार बार हो जाती है, उन सारे लोगों को सत्तू खाना चाहिए। यह हल्का है और आयुर्वेद में गर्मी के मौसम में हल्की चीज़ें खाने के लिए कही गई हैं, तो सत्तू गर्मी के लिए एक परफेक्ट आहार है। अगर इस सत्तू को आप पानी में घोल कर पिए तो ऐसे कहा गया है कि सद्य एव बल प्रदा, अर्थात ये तुरंत ताकत देने का काम करता है। गर्मी के मौसम में हम बहुत बार कोई ना कोई टॉनिक ढूंढते रहते हैं और कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से वो कूल हो जाएंगे, पर कोल्ड ड्रिंक पीने से आप कूल नहीं, हाँ फूल जरूर बन सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को ये जो देसी सत्तू है उसका सेवन करना चाहिए। सत्तू को पानी में मिलाकर पीने से आपको बहुत जल्दी ताकत मिलती है और यह इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर माना जा सकता है। गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं और तेज धूप के कारण शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए हमें बहुत बार मेहनत भी करनी पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सत्तू एक टॉप क्लास टॉनिक हम मान सकते हैं। हमारे देश में सत्तू का सेवन बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। आयुर्वेद में अलग अलग तरह के सत्तुओं का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि घी और सत्तू कई लोग मिलाकर खाते हैं, या घी सत्तू उसके अंदर अनार रस और गुड़ मिला के कई लोग इसे पीते हैं। कुछ लोग केवल सत्तू के अंदर थोड़ा सा घी और पानी मिलाकर पीते हैं। कई लोग सत्तू के अंदर मुनक्का या फिर बड़ी शक्कर या गन्ने का रस मिलाकर भी इसका यूज़ करते हैं। सत्तू अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, जैसे कि जौ का सत्तू, चावल का सत्तू, चने का सत्तू, गेहूं का सत्तू, ऐसे अलग अलग प्रकार के सत्तू हमें मिल सकते हैं। तो इन्हीं में से एक विशेष तरह के जौ के सत्तू के फायदे के बारे में चलिए जानते हैं। जौ का सत्तू ठंडा होता है, ये जलन को शांत करता है। ऐसे लोग जिन्हें गर्मी के मौसम में लूज मोशन या फिर बार बार जुलाब, बार बार शौचालय जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यह कफ और पित्त का नाश करता है। तो ऐसे लोग जिन्हें चर्म रोग हैं या जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर जो लोग मोटे हैं और
अपना वजन कम करना चाहते हैं या गर्मी के मौसम में जिन्हें अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है या कफ और पित्त की बीमारियों को ठीक करना है, तो ऐसे लोगों को जौ का सत्तू विशेष रूप से उपयोगी है। इसे पानी में घोलकर पीने से आपको अगर गर्मी के मौसम में कमजोरी है तो वो तुरंत कम हो जाएगी। यह मल भेदक है, तो ऐसे लोग जिनका शरीर मोटा है या जो ज़्यादा वजन वाले हैं और पेट साफ नहीं होता, उन सभी के लिए सत्तू बहुत अच्छा है। यह तुरंत ताकत देता है, मीठा है, इसे खाने में मज़ा भी आता है। और अगर गर्मी के मौसम में भाई आप व्यायाम कर रहे हैं, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, वजन भी घटाना है और ताकत भी चाहिए, तो आपको जौ का सत्तू विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। पर ऐसे लोग जिनकी बॉडी ऑलरेडी ड्राई है या सूखी हुई है, वो सत्तू खाना चाहते हैं, तो जौ के सत्तू के अंदर चौथाई भाग वो चने का सत्तू उन्हें ज़रूर मिला देना चाहिए। और सत्तू खाते समय आप उसमें घी भी ज़रूर ऐड कर दीजिए। घी और मिश्री या घी और चीनी के सेवन करने से यह सत्तू विशेष रूप से टॉनिक का काम करता है। चने और जौ के कॉम्बिनेशन वाला यह जो सत्तू है, यह जौ के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल और टॉनिक है। तो ऐसे लोग जिन्हें पतला होना है वो जौ के सत्तू का प्रयोग करें, पर ऐसे लोग जिन्हें शरीर को बनाकर रखना है या वजन बढ़ाना है या शरीर को मेंटेन रखना है, तो ऐसे लोगों को चने के सत्तू के अंदर चौथाई भाग जौ का सत्तू भी मिला देना चाहिए, जिससे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन विशेष रूप से फायदेमंद हो जाए। आजकल मार्केट में भी बहुत तरह के सत्तू मिलते हैं, पर आप सत्तू घर पर बनाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। इसे बनाने के लिए आप जिस भी धान्य का सत्तू बनाना चाहते हैं, उसे आप कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसे फैलाकर अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद आप इसे ओखली में पीस लें। आज के ज़माने में ओखली नहीं है तो मिक्सर भी चलेगा, उसमें पीस के या चक्की में पिसवा कर इसे अपने घर पे भर के रख लें। यह सत्तू तैयार हो गया, इसे पानी में घोलकर पीना चाहिए। ये टॉप क्लास का टॉनिक आयुर्वेद में माना गया है। अगर आप में से कोई मीठा सत्तू बनाना चाहता है तो उसके अंदर मिश्री या फिर गुड़ या फिर खड़ी शक्कर जिसे कहते हैं वो मिला सकते हैं। जिन लोगों को मीठा पसंद नहीं, वैसे तो गर्मी के मौसम में मीठा ही सत्तू खाना चाहिए, तो वो आप थोड़ी सी मात्रा में नमक भी मिला सकते हैं, जिसे कि नमकीन सत्तू कहा जाता है। तो गर्मी के मौसम में आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। पर इसके प्रयोग के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ चेतावनी भी देते हैं, जिससे कि आप इसका सही प्रयोग कर सकें और इसके आप फायदे ही पा सकें, ना कि नुकसान। सत्तू के नियम बताते हुए आयुर्वेद में कहते हैं कि पानी पीकर सत्तू नहीं खाना चाहिए या फिर सत्तू खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अर्थात कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले पानी पी लेते हैं और फिर सत्तू खाते हैं, तो वो गलत तरीका है। आपको सत्तू के अंदर ही पानी मिलाकर उसे पीना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि ये चाहे कितना भी फायदेमंद हो, पर इसे दिन में दो बार नहीं यूज़ करना चाहिए। अर्थात केवल दोपहर के समय एक बार या फिर सुबह के समय, दोपहर या सुबह, कोई भी दिन में एक बार ही आप इसका प्रयोग करें तो ही ये आपके लिए अच्छा है। अकेला केवल सत्तू ही नहीं खाना चाहिए और रात के समय सत्तू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। भोजन खाकर सत्तू नहीं खाना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह के समय पे आप भोजन कर लीजिए, दोपहर के समय पे सत्तू का प्रयोग कर लीजिए और शाम को आप खाना खा सकते हैं। दांतों से काट काट कर या बहुत ज़्यादा मात्रा में सत्तू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह रुक्ष होता है, तो रुक्षता के कारण यह कई बार समस्या भी कर सकता है। यह वायु कारक होने के कारण इसे अगर रात में आप प्रयोग ना करें तो ही आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो सत्तू जो कि आयुर्वेद का सुपर फूड माना गया है, खास करके गर्मी के मौसम में, उसका सेवन आप इस गर्मी में विशेष रूप से कीजिए। अगर आप मोटे हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं या चर्म रोगी या स्किन डिसऑर्डर के रोगी हैं, तो आपके लिए जौ का सत्तू अच्छा है। पर आप अगर पतले हैं और अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपके लिए चने और जौ के कॉम्बिनेशन वाला सत्तू ज़्यादा करके फायदेमंद रहेगा। सत्तू से जुड़े अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।